चतुर मुर्गा। बड़े दिन पहले की बात है, एक गांव था जिसका नाम गव्वाला पलेम था। एक मुर्गा उस गांव का निवासी था। मुर्गा लोमड़ी की आंख में खटक गया। लोमड़ी ने उसे अपनी नजर में गड़ा लिया और उसे खाने का षड्यंत्र चालू कर दिया। मुर्गा लोमड़ी को देख के पेड़ पर चढ़ गया। लोमड़ी धीरे से पेड़ के पास गई और बोली, यार कल रात भगवान मेरे सपने में आए और क्या कहे मालूम? मुर्गा चतुर था और बोला, वाह तुम तो भाग्यशाली हो दोस्त, भगवान खुद तुम्हारे दर्शन देने आए। बताओ बताओ क्या कहा भगवान ने? भगवान ने सभी जानवर और परिंदों को आपस में मिलजुल कर रहने को कहा और ये भी कहा कि आपस में कभी लड़ाई मत करो और किसी को हानि न पहुंचाओ। मैंने तो भगवान की बात मान ली, मुझे अब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सबसे दोस्ती करनी है। चलो नीचे उतरो, लंबी सैर पर चलते हैं। मुर्गा बड़ा ही सयाना था, चाल समझ आ गई। वाह क्या बात है, वैसे मुझे कुछ शिकारी कुत्ते भी इधर आते दिख रहे हैं, क्यों ना उनको भी साथ लेकर सैर पे चले। लोमड़ी ये सुनते ही डर गई। मुझे नहीं लगता कि शिकारी कुत्ते मेरे सपने के बारे में कुछ जानते होंगे। चलो किसी दिन और चलेंगे सैर पे, मैं जल्दी में हूँ, इससे पहले कुत्ता आ जाए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लोमड़ी को भागता देख मुर्गा खूब हंसा और पेड़ से नीचे उतर आया। मिली एक छोटे से शहर का चूहा था और अपने कजन कोरा के शहर छुट्टियां बिताने गया। दोनों हर दिन मकई बार्ली और चाय का नाश्ता करते थे। उन्होंने इतना खाया और इतना पसंद था उन्हें वो नाश्ता कि खा खा के सो जाते थे। कोरा एक दिन बोली, मिली इस नाश्ते से बोर हो गए हम, हर दिन एक ही तरह का नाश्ता, आओ कभी मेरे साथ रहो और देखो मेरे शहर में क्या क्या खाने को मिलता है। कोरा बस पकड़ के उसके शहर निकल गई। मिली ने कोरा को ढेर सारे खाने के सामान दिखाए, मक्खन रोटी शहद मटर और ढेर सारे फल। चलो अब खाना शुरू करते हैं, मिली बोली, लेकिन जब भी वो खाते तो कुछ ना कुछ अटपटा सा हो जाता। पहली बार कुछ इंसान को देखकर वो लोग दौड़ भागे। फिर एक खूनखार कुत्ता आया और उसके बाद बिल्ली ने उनको दौड़ाया। कोरा बोली, अरे मैं तो थक गई हूं, मैं घर वापस जा रही हूं, खाना तो है लेकिन शांति से खाना कैसे खाएं? फालतू की बहस में मत पड़ना। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था, उसमें राम नामक युवक रहता था। राम उल्लास और मस्ती में टहलने निकला। थोड़ी देर बाद वो एक नदी के पास आया। उस नदी के ऊपर से एक पुल गुजरा था। राम पुल पे चढ़ा
तो उसे एक और राम दिखा। अरे तू, इस पुल से तो सिर्फ एक ही जाएगा मालूम, और मैं करूंगा पहले, तू वही खड़ा रहे। पहले वाला राम बोला, हाँ सही कह रहा है तू, यहां से एक ही बाहर निकलेगा और वो मैं हूं, तू मेरी प्रतीक्षा कर। दूसरा राम बोला, मैं पहले यहां आया हूं, मैं पुल पार करूंगा। पहला राम बोला, मैं पहले यहां आया हूं, मैं पहले पार करूंगा। दूसरा राम बोला, यह पुल मेरे दोस्तों ने बनाया है, मेरा जाना पहले होगा, समझे। दोनों आमने सामने आकर लड़ने लगे और बहस करने लगे, और समय बीत गया और दोनों में से कोई पीछे हटने को राजी ना हुआ। पहला राम गुस्से में आया और पुल की तरफ चल पड़ा। यह देखकर दूसरा राम भी दूसरी तरफ से बढ़ा। अंत में दोनों पुल के बीच में आकर आमने सामने खड़े हो गए और कोई पीछे हटने को राजी ना था। और तू तू मैं से बात हाथापाई पर आ पहुंची। और लड़ाई करते हुए दोनों जाकर पानी में गिर गए। जब उन्हें पछतावा हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी, दोनों दरिया में डूब के मर गए। दौलत। एक बार की बात है, हरि और रवि नामक दो दोस्त थे। दोनों ही एक ही रास्ते पर रहते थे। हरि बहुत ही धनवान था, लेकिन कोई फायदा नहीं था उसका। हरि को नींद नहीं आती थी। दूसरी तरफ रवि को मस्त और बिंदास नींद का आनंद मिलता था। वो खिड़की और झरोका खोलकर सो जाता था। हरि रवि से इस बात को लेकर जलने लगा। सोचा, रवि इसलिए अच्छी नींद सोता है क्योंकि इसको दौलत की परवाह नहीं, ना इसको लालच, क्यों ना इसको लालच दी जाए। एक दिन सोने के सिक्कों से भरा एक बोरा वो रवि के पास लेकर गया। रवि, मुझसे तुम्हारी यह गरीबी देखी नहीं जाती, तुम दोस्त हो, आखिर कब तक तुम इस हाल में रहोगे। ये लो, ये सोने के सिक्कों की बोरी तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम आएगी। रवि खुश होता है, वो उस बोरे को लेता है और घर में छुपाता है। लेकिन फिर बेचैन होकर खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, उसकी नींद उड़ जाती है। उसे चोरी का डर रात भर सताता है। रवि रात भर व्याकुल रहता है। डाके और चोरी के डर से उसे नींद नहीं आती। दूसरे दिन रवि हरि के पास जाता है और बोलता है, दोस्त समझ आ गई तेरी चाल, ले भाई तू अपनी दौलत अपना पैसा अपने पास रख, मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं।
ये बोलकर रवि वहां से निकल गया। और चैन की नींद सो गया। चींटी और टिड्डा। एक गर्मी की दोपहर एक टिड्डा बहुत उछल रहा था, बड़ा ही खुश था और संतुष्ट दिख रहा था। एक चींटी पास से गुजरी जो बड़े परिश्रम से अपना खाना जुगाड़ रही थी। टिड्डा बोलता है, ए चींटी, आना मेरे संग भी बात कर, इतना क्यों थक रही है? चींटी, मैंने तो सर्दियों के लिए अपना खाना जुगाड़ किया है और तुम भी करना शुरू करो। टिड्डा बोलता है, अरे यार, सर्दियां अभी बहुत दूर हैं और अपने पास काफी खाना है। लेकिन चींटी ने अपना काम टिड्डे के कहने पर नहीं रोका। सर्दियां आई। टिड्डा भूख के मारे तड़पने लगा। और इधर उधर भागने लगा। चींटी खाना बांटने लगी, जिस खाने का उसने गर्मियों में परिश्रम से जुगाड़ किया था। फिर टिड्डे को सीख मिली। कहानी का सार, कल का काम आज से, ताकि कल कटे आराम से। दोस्ती का रहस्य। कई दिनों पहले दो दोस्त हुआ करते थे, रमैया और चंद्रैया। दोनों एक साथ काम करते थे। एक दिन पास के गांव में दोनों ने जाने का सोचा। लेकिन सफर इतना आसान न था, एक घना जंगल पार करके जाना पड़ा। उस जंगल में जंगली जानवरों का बसेरा भी था। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया, कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरे दिन रमैया और चंद्रैया दोनों अपने खाने का सामान लेकर गांव की तरफ निकल लिए। जंगल को पार करते वक्त दिल घबराया। अचानक एक भालू आ गया और चंद्रैया को तुरंत पेड़ पर चढ़ना पड़ा। चंद्रैया ये भूल गया कि रमैया को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। बेचारा रमैया भालू को देखकर भयभीत हो गया। भालू उसको खाने के लिए तैयार था, लेकिन उसी वक्त उसे एक विचार आया। वो फौरन जमीन पर गिरा, ऐसे जैसे कोई लाश हो। भालू धीरे धीरे रमैया के पास आया।
उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। उसे सूंघा लेकिन रमैया चुपचाप पड़ा रहा। भालू उसे मरा समझकर वहां से भाग निकला। चंद्रैया भालू के जाते ही धीरे से नीचे आया और रमैया के पास जाकर व्यंग करते हुए उससे पूछा, यार भालू तेरे पास काफी समय था, ऐसा तूने क्या किया कि वो चला गया बिना कुछ किए? रमैया को चंद्रैया की बात चुभी और उसका दिल टूट गया। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं दोस्त, भालू ने सिर्फ इतना कहा कि कभी ऐसे दोस्तों पर यकीन मत करना जो तुम्हें परेशानी में छोड़कर भाग जाए। चंद्रैया को उसकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब रमैया ने दिया। शेर और सुनहरी पायल। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर था। और उससे शिकार नहीं हो पाता था। भूख में तड़पता हुआ शेर इधर उधर घूमने लगा। और उसे एक सुनहरी पायल मिली और उसने सोचा इस सुनहरी पायल से वो अपने शिकार को रिझाएगा और फिर उनको खाएगा। कुछ समय बाद शेर ने एक आदमी को आते देखा। आदमी शेर को देखते ही भयभीत हो गया, लेकिन शेर ने उसको सुनहरी पायल दिखाई और पूछा क्या वो उसको लेना चाहता है। आदमी पायल को देख इच्छुक हुआ, लेकिन फिर सोचा कहीं शेर खा न जाए। शेर ने उसके डर को भांप लिया और बोला, डरने की बात नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक साधारण और सरल शेर हूं, मांस भी नहीं खाता, सब कुछ त्याग दिया है। मुझे ये सुनहरी पायल एक साधु बाबा ने इनाम में दी थी, लेकिन मेरे किस काम की, शायद तुम्हारे काम आ जाए। आदमी ने शेर की बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे शेर की ओर बढ़ा और ये देखकर शेर मंद मंद मुस्काया और सोचा, आज तो मेरा दिन है, कितने दिनों बाद मांस मिलेगा। और जैसे ही शेर उस पे झड़प के लिए तैयार हुआ, आदमी ने उसकी आंखों में भूख देखी और उसके भाव से आदमी को पता चल गया कि शेर का इरादा कुछ और है। तुरंत उसने शेर पर वार किया और बूढ़ा शेर वहीं ढेर हो गया। आदमी ने सुनहरी पायल भी वहां से उठा ली। कहानी का सार, छल कपट से सावधान रहना चाहिए। एक बार की बात है, जंगल में एक भेड़ रहता था। वो बहुत ही अहंकारी था और सोचता था कि अपनी सींगों से वो किसी को भी पराजित कर सकता है। वो जंगल में सारे जानवरों को अपनी सींगों से डरा के रखे हुए था। लोमड़ी ने भेड़ को सबक सिखाने की ठान ली। एक बार लोमड़ी भेड़ के पास गई और बोली, छोटे छोटे जानवरों को हराने से क्या होगा, हराना है तो किसी बड़े जानवर को हराओ, फिर देखो कैसे जंगल में तुम्हारा डंका बोलता है। भेड़
है कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली सिंह वाला? अगर है तो चीर के रख दूंगा। है तो बुलाओ, अगर है तो चीर के रख दूंगा। देखो वो विशाल पर्वत, वो इस जंगल में सबसे शक्तिशाली है। यदि तुम उसे हरा देते हो तो तुम बन जाओगे महाशक्तिशाली। भेड़ अहंकार में डूबा हुआ तुरंत पर्वत की ओर गया। यदि तुम उसे हरा देते हो तो तुम बन जाओगे महाशक्तिशाली। और सिंहों से जोरदार वार किया और चकरा कर वहीं ढेर हो गया। फिर भी उसे अपनी हार स्वीकार न थी। इस बार और जोरदार वार किया और दोनों सींगे टूट गईं। भेड़ ने सबक सीख लिया, अहंकार का सर एक दिन नीचा होता है। इसीलिए जंगल में सबसे मिलके रहना चाहिए। क्या पता कब अहंकार टूट के चकनाचूर हो जाए। तीन मछलियां। एक बार एक नदी किनारे कुछ मछलियों का बसेरा था। एक दिन एक मछुआरा उस नदी पे आया और ढेर सारी मछलियां देखकर बोला, वाह, यहां तो ढेर सारी मछलियां हैं, कल आकर इन्हें पकड़ता हूं। नदी की तीन मछलियों में बड़ी दोस्ती थी। और पहली वाली ने मछुआरे को सुन लिया और सबको बता दिया, चलो यहां से निकलते हैं, इससे पहले वो हमको पकड़ ले। दूसरी बोली, लेकिन इतने जल्दी क्या है, क्यों भला, कोई उपाय निकालते हैं। तीसरी बोली, हम यही रहकर मछुआरे के जाल से बचने का उपाय सोचते हैं। पहली वाली नदी छोड़कर चली गई। दूसरी ने मछुआरे को देखा और तीसरी वाली से कहा, देखो मछुआरा आ गया, चलो निकल चलते हैं। मैं डरी हुई नहीं हूँ, मैं उसके जाल से बच निकलूंगी। ये सुनकर दूसरी भी भाग निकली। तीसरी वाली नदी में रह गई, लेकिन दुर्भाग्य उसका कि वो बच न सकी और उसको पछतावा हुआ कि उसने दोस्तों की सलाह नहीं मानी। कहानी का सार, अधिक विश्वास घातक हो सकता है। दोस्तों पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।